ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में लगातार सांसदों को सदन से निलंबित किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि संसद में हुई चूक के मामले में अभी तक कुल 78 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया है। 13 दिसंबर को 22 साल बाद एक बार फिर संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई और नई संसद की बिल्डिंग में लोकसभा की विजिटर्स गैलरी से दो शख्स सदन में कूद गए थे। इस बीच उन्होंने अपने जूते से निकालकर कुछ स्प्रे किया जिससे सदन में पीला धुआं फैलने लग गया था। इस दौरान पूरे सदन में भगदड़ मच गई थी। बता दें, जिस संसद की कार्यवाही को आप टीवी में देखते हैं, जिस संसद में आप पक्ष और विपक्ष के बीच बहस होते हुए देखते हैं, उसके लिए नियमों की पूरी एक किताब होती है। इस दौरान सदन की कार्यवाही को बुक के रूल के जरिए चलाया जाता है। रूल नंबर 373 के तहत यदि लोकसभा स्पीकर को ऐसा लगता है कि कोई सांसद लगातार सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है तो स्पीकर उसे सदन से बाकी बचे हुए पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर देता है। राज्यसभा से कुल 45 सांसदों को शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है तो वही लोकसभा से 33 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में नारेबाजी की, भाजपा जवाब दो, सदन से भागना बंद करो। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन को लोकतंत्र पर हमला बताया है। उन्होंने कहा, पहले घुसपैठियों ने संसद पर हमला किया और अब मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र दोनों पर हमला कर रही है। 18 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन दोनों सदनों से 78 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। संसद में सुरक्षा चूक के मामले में लोकसभा में लगातार चौथे दिन हंगामा बरकरार रहा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, जिनमें नेता अधीर रंजन चौधरी सहित कांग्रेस के 11 सांसद, टीएमसी के 9, डीएमके के 9 और 4 अन्य दलों के सांसद शामिल है। बता दें, किसी भी सांसद को सस्पेंड करने का अधिकार स्पीकर के पास होता है, लेकिन सस्पेंड हुए सांसद के सस्पेंशन को वापस लेने का अधिकार स्पीकर के पास नहीं होता है। यह अधिकार सिर्फ सदन के पास होता है। ऐसे में देखने लायक होगा क्या सदन इन निलंबित सांसदों के सस्पेंशन को वापस लेता है या नहीं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज। मैं सिद्धिका मनोहर आपके साथ, शुक्रिया।